जय मसीह सब लोगों के लिए। और एक बार जय मसीह। आज का आराधना के लिए प्रभु हमको सहायता किया है उसको उपस्थिति में आने के लिए। ये आराधना कार्यक्रम के लिए हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सब लोगों के लिए निमंत्रण करते हैं। प्रियो, आज का आराधना का कार्यक्रम ऐसी रहता है, पहले हम गाना एक सुनेंगे आराधना के लिए, बाद में आराधना मैसेज हम सुनेंगे। आराधना संदेश सुनने के बाद 7 मिनट टाइम आप लोगों को दिया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आराधना करने के लिए। उस समय में आपका जहां जहां है उधर आप लोग आराधना कर सकते हैं, और बाद में हम मेज में भाग लेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए अभी सूचना है, अभी दो तरोड़ और मेज के लिए रोटी और द्राक्षरस बना के रख दीजिए। जब हम लोग इधर प्रार्थना करके रोटी तोड़ेंगे, द्राक्षरस में मेज में हम भाग लेंगे, वही समय में आप लोग उधर भाग ले सकता है। बाद में हमको मेन संदेश सुनेंगे। तो ब्रदर जया मेन संदेश हमको लाएगा, बाद में अनाउंसमेंट, बाद क्लोजिंग प्रेयर बेनेडिक्शन से ये प्राय आराधना कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। अब आइए हम प्रभु सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान प्रभु, बहुत प्रेम से, बड़ा प्रेम से, स्वर्गीय प्रेम से हमको प्रेम किया है। और प्रभु इस दुनिया में आके प्रभु हमको उद्धार दिया है, हमको उद्धार देने के लिए क्रूस पर आप बलिदान हुआ है, लहू बहाया प्रभु, आप मारा गया, गाढ़ा गया और तीसरा दिन जी उठा प्रभु, और एक बार हमारे लिए अब आने वाला है प्रभु। इस साल में प्रभु 8 महीना हमको संभाला है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सितंबर महीने में भी हमको प्रवेश किया है, इसलिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। ये साल जो भलाई, ये आशीर्वाद हमारे ऊपर दिया है प्रभु, हरेक के लिए, हरेक उपकारों के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु। और एक बार जो आज आराधना कार्यक्रम के लिए आपको उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आदि से अंत लेकर प्रभु आपको उपस्थिति रखे प्रभु, ये समय को आशीष कीजिए हम लोगों को प्रभु, आपका उपस्थिति में रखे हमारा प्रभु उद्धारकर्ता को आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए हमको सहायता कीजिए, जो गाना गाने के समय में भी सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु आराधना मैसेज संदेश सुन के व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए भी सहायता कीजिए, योग्यता से मेज में भी भाग लेने के लिए सहायता कीजिए। और एक बार प्रभु जो मेन संदेश लाने के लिए जो जय ब्रदर को भी प्रभु अभिषेक कीजिए, आपको स्वर्गीय भंडार से प्रभु आपका वचन हमको दे दीजिए प्रभु, जो हमको प्रभु सुनने का कान दे दीजिए,
ग्रहण करने के लिए हमारा मन दे दीजिए, जो प्रभु जो वचन के अनुसार हमारा जीवन हम लोग जीने के लिए, आपके लिए हम इधर जीने के लिए भी सहायता कीजिए प्रभु। जो टेक्निकल टीम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रत्येक रीति से ब्रदर्स जो काम करता है उसके ऊपर हमारा आपका प्रभु आपका आशीष दे दीजिए, आपको ज्ञान दे दीजिए, आपका सहायता दे दीजिए, आपका मदद दे दीजिए प्रभु, ठीक से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सके और प्रभु जो सब कुछ आपके नाम के लिए प्रभु ये काम चलने के लिए आपको सहाय हम आपका सहायता मांगते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। जो आदि से अंत तक ये कार्यक्रम आपका हाथों में सुनते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। और अभी एक गाना गाएंगे। Thank you.
आइए हम आराधना के लिए वचन देखेंगे। आराधना के लिए वचन देख के वचन के अनुसार हम आराधना के पर करने के लिए प्रभु हमको मदद करे। योहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय, योहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 1-3 वचन मैं पढ़ रहा हूं। योहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 1-3 तक। यीशु पसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वह उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पावों पर डाला और अपने बालों से उसके पाव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा पिता परमेश्वर, स्तुति धन्यवाद करते हैं जो वचन पढ़ने के लिए सहायता किया है। प्रभु वचन से आप बातें कीजिए, हमारा प्रभु को आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। भजन संहिता 146 1-2 वचन में जो लिखा है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इधर एक भजन संहिता जो लिखने के समय में इधर लिखता है, यहां की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। कितना अच्छा उद्देश्य गीतकार ने उसका जीवन में है। उसका वो बोलता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक इस दुनिया में मैं रहता हूं, जब तक मैं जीवन में रहता हूं, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इसलिए ये बोलता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करना चाहता है। मतलब उसका जीवन में प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए वो चाहता है, मेरे मन जब तक मैं इस दुनिया में रहता हूं तब तक मैं मेरा परमेश्वर को भजन गाता रहूंगा। इधर भी ये हम लोग यूहन्ना सुसमाचार 12:1-3 तक हम पढ़ा है, पढ़ने से हम लोग इधर भी ये जो मेरी ने जो मरियम ने जो किया है इधर आराधना, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। ये भाग तो यूहन्ना सुसमाचार में यूहन्ना भी लिखा है और मार्कुस सुसमाचार में भी 14 अध्याय में भी लिखा है, मैथ्यू सुसमाचार में भी 26 अध्याय में भी लिखा है,
मतलब इतना इतना वो लिखने का है, इसलिए प्रभु ने लिखने के लिए उधर जगह दे दिए बाइबल में, इसलिए उधर लिखता है ये मेरी ने उसको क्या किया। दूसरा वचन में वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया है, भोजन तैयार किया, भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के पावों पर डाला और अपने बालों से उसके पावों की पोछे। क्या डाल क्या लाया है, बहुमूल्य लहू लेकर, बहुमूल्य इत्र लेकर, बहुमूल्य कितना, वो लिखा है 300 दिनार। 300 दिनार मतलब वो बोल उधर बोलता है जो एक साल का कमाई, सोच लीजिए। वो बहन ने मरियम ने वो एक साल का कमाई खर्चा करके प्रभु के लिए बहुमूल्य इत्र लाया है। बहुमूल्य इत्र लाया, वही बहुमूल्य जो पद है वो तीन जगह में भी लिखा है। मरकुस भी लिखता है, मरकुस सुसमाचार 14:3 में भी यही वचन लिखता है। मरकुस सुसमाचार 14:3 में, मरकुस 14:3 में, जब बेतनिया में सिमोन कोड़ी का घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र, उधर तो लिखता है बहुमूल्य इत्र, मार्क लिखता है बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर, बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर बहुत खर्चा किया बना, एक साल का कमाई प्रभु के लिए वो इत्र मोल के ला के प्रभु के पावों पर डाला और अपने बालों से उसके पाव पोछे। किस लिए इतना बड़ा समर्पण, इतना अच्छा आराधना कर रहे, इतना अच्छा आराधना, इसलिए प्रभु भी इधर लिखता है बहुमूल्य इत्र लेकर, बहुमूल्य उसका आराधना, उसकी स्तुति, जो धन्यवाद क्या था, वो तो बहुमूल्य था प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के नजर में, नजरों में वो बहुमूल्य था। जो हेबेल भी, जो हेब्रियों का पत्री 11:11 हम लोग 4वां वचन में देखने से, विश्वासी ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उधर बोलता है बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर, इधर बोलता है उत्तम बलिदान दिया है। हमारा आराधना, हमारा स्तुति, हमारा प्रशंसा प्रभु के लिए उत्तम है क्या? जो उत्तम आराधना, जो बहुमूल्य आराधना हमको प्रभु को ला रहे, उतना खर्चा करके मरियम ने लाया है। हमारा जीवन में कभी ऐसा प्रभु संतुष्ट हो गया हमारा आराधना देख के, आराधना देख के, ऐसी आराधना हम चढ़ाना बोल के प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है। अब लोग भी, हम लोग भी जो प्रभु के लिए हम लोग उसका सम्मान देने से, प्रभु को हम लोग आदर करने से, प्रभु को हम लोग सत्कार देने से,
करने से प्रभु भी हमको आदर देता है। इसलिए उधर ये मरियम ने, मरियम का आराधना है बहुमूल्य इत्र लेके, बहुमूल्य हमारा प्रभु बहुमूल्य है हमके लिए, बहुमूल्य है मतलब बहुमूल्य लहू बहाकर हमको पापों से छुड़ाया है, बहुमूल्य लहू बहाकर क्रूस पर। इसलिए हम, हमारा आराधना भी बहुमूल्य होना है, हमारा आराधना भी उत्तम, उत्तम से ज्यादा होना है, उत्तम से ज्यादा होना है। इसलिए वो मन से वो मरियम ने प्रभु की स्तुति आराधना किया है। प्रियो इधर हम लोग देखने से मतलब उसका रीजन क्या, उसका कारण क्या है, कारण क्या है वो ही देखने से वो 12 अध्याय का योहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, यीशु पसा के 6 दिन पहले बेतनिये में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। इधर बहुत सा विषय हम लोग ध्यान कर सकता है। हम लोग जानता है लाजर कैसा था, वो लाजर पहले बीमारी था, बीमार था, बीमार के बाद क्या हो गया, वो तो मर गया, वो कब्रिस्तान में था, कब्र में था, 4 दिन था, समाधि में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, उसके लिए रोया और उससे नाम रखे बुलाया, बुलाया उसको, उर्दों से जिलाया, उसको जीवन दे दिया, जीवन देने के बाद उसके साथ बैठने के लिए, बैठने के लिए। इधर ये लोग ये घर में प्रभु के लिए भोजन, वो लोग क्या किया, भोजन तैयार किया, मतलब जो मेज रखा है, जो मेज में जहां प्रभु ने बैठाया उधर ही उसको प्रभु के सामने सामने, नहीं तो प्रभु के बगल में, प्रभु के साथ वो मेज में बैठने के लिए लाजर को मौका मिला। वो बोलता है बहुत लोग उधर बैठ गया लेकिन लाजर उनमें से एक था, एक था। कितना अद्भुत दृश्य है देख लीजिए, बीमारी था वो, हम लोग जानता है पूरा कहानी, पूरा इंसिडेंट घटना हम जानते हैं, लेकिन अभी हमारा जीवन कैसा था, पहले वो बीमारी था। हम लोग को यशायाह पुस्तक पहला अध्याय पहले अध्याय 5-6 वचन में, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांवों से सिर तक कहा भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है जो ना दबाए ना बांधे गए ना तेल लगाकर नरमाए गए। कैसा था, पांवों से सिर तक कहां भी कुछ भी आरोग्यता नहीं था, हमारा जीवन केवल चोट और कोड़े की मारे था और सड़े हुए जीवन, घाव है जो ना दबाया ना बांधे गया ना तेल लगाकर नरमाए गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, यशायाह पुस्तक 53 अध्याय का 5वां वचन में, परंतु वह हमारे के अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए वो उस पर धड़ना पड़ी कि उसकी कूड़े खाने से हम लोगों को चंगा हो गया। जब हम लोग पापों से अपराधों में था, वो क्या किया, घायल किया, उचला गया और ताड़ना पड़ी उसके ऊपर और घोड़े खाए से हम लोगों को चंगाई मिला है। हम लोग देख सकता है जो लाजरस ने कहा है,
प्रभु के साथ बैठ गया, बहुत लोग बैठ गया, उसके उसके बीच में लाजर उनमें से एक था, प्रभु से बैठ गया, प्रभु के पास बैठ गया। एफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय पांच पहला वचन में एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय फर्स्ट पहला वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसको हमको जिलाया, हम लोग पाप में था, अपराधों में था, लेकिन हम लोग मरे हुए थे, प्रभु ने हमको जिलाया। पांचवा वचन में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। सो लाजरस भी समाधि में था, कब्र में था, उसको प्रभु उसके पास आके उसके लिए रोया है, उसके जीवन दिया, उसके साथ बैठने के लिए सहायता किया है। हमारा जीवन भी ऐसी था, हम लोग पापों में था, अपराधों में था, लेकिन प्रभु ने क्या किया, मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह सीत हमारा उद्धार हुआ है और उसके साथ बैठाया। उसे भी हम मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 11 वचन में, मैं एक बार आपका सामने मैं ये वचन लाता हूं, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय 11 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम में, पश्चिम से बहुत से लोग अगर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे। संगति में जब लाजरस को प्रभु को संगति मिला है, प्रभु तो संगति में लाजरस है, प्रभु से बैठ गया, ऐसी हमको हम लोग के लिए भी जो यीशु मसीह जो बोला है, यीशु मसीह बोला खुद ये वचन बोलता है, तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग अगर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। कितना अच्छा अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया है, हमको जिलाया है पापों से अपराधों से, हम आज प्रभु के साथ बैठ गया। जब कहां बैठेंगे, जब अब्राहम के पास, याकूब के साथ, जब अब्राहम बैठेगा, जहां मोसेस बैठेगा, जहां याकूब बैठेगा, जहां बड़े बड़े लोग बैठेगा, वही स्थानों में हमको भी प्रभु ने सहाय स्थान दिया है, हम लोग उधर बैठ सकते हैं, बैठते हैं, वही आशा हमको दिया है प्रभु ने। कभी भी सोचा है क्या उद्धार में? सो इतना बड़ा काम किया है प्रभु ने, इसलिए ये पहला कुरंती पहला अध्याय 9 वचन में जो लिखता है, परमेश्वर सच है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह का संगति में आपको बुलाया है, उसका पुत्र का संगति में हम लोगों को बुलाया है, इसलिए प्रभु को स्तुति धन्यवाद करना है। तो ये देखने के लिए बहुत सा विषय है, क्या किया है, हम लोग एक बार मरे हुए थे, प्रभु ने प्रेम किया, जैसा लाजरस को प्रेम किया है हमको भी प्रेम किया है। जब हम बहरी थे तभी हमको प्रभु ने प्रेम किया है, रोमियों के पत्र 5:8 वचन में, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। पापी ही थे, प्रियो जिस लाजर को प्रेम किया है, इस समय से हमको भी प्रेम किया है, प्रेम करके हमको क्या किया, मसीह में हमारे लिए मर गया, वो बलिदान हुआ है, बलिदान करके क्या किया, जैसा लाजरस के लिए पैदल में आ गया, हमको उद्धार करने के लिए, हमको
उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। जब उसको लाजरस को नाम रख के बुलाया है, हम लोगों को भी नाम रख के बुलाया, हमको जिलाया है और हमको उठाया है, उठाया है और क्या किया, उसके साथ बैठने के लिए हमको सहायता किया है, उसका संगति दिया है। लेकिन आज ये मरियम ने एक वो उसका घर में क्या किया, एक भोजन बना दिया, भोजन भोजन तैयार किया है। बहुत लोग, बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन, बहुत खुशी का दिन उसका घर में। क्यों? बहुत दुख में था, लाजर मर गया था, लेकिन आज वो खुशी का बात है, वो मृत्यु से जी उठा, जो दुख संकट पूरा बदल दिया। इसलिए भजन संहिता 30 अध्याय में हम लोग देखने से 11 भजन संहिता 30 अध्याय 11 में देखने से 11 वचन में, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का फटूका बांधा है। तूने मेरे लिए विलाप का नृत्य में नृत्य विलाप को नृत्य में बदल डाला है, नृत्य में बदल डाला है। मरियम भी ऐसी बोलता है, मृत्यु मुझको, हम लोग दुख में था, हम में संकट में था, हम लोग विलाप करते थे, लेकिन वो विलाप को नृत्य में बदल डाला है और मेरा टाट उतरा कर मेरी कमर में आनंद का फटूका बांधा है। ये घर में आनंद लाया है, हमारा लाजरस को अब जीवन दिया है, जीवन दिया है, आपके साथ बैठने के लिए सहायता किया है। इसलिए आज भी हम लोग को ये संदेश के अनुसार हम प्रभु को आराधना करेंगे। प्रभु ने हमको भी पापों से, अपराधों से छुटकारा दिया है, देखिए उसके साथ बैठने के लिए हमको प्रभु सहायता किया है, उसका संगति में रखा है। इसलिए वो जहां लाजरस को बचाने के लिए वो खुद आ गया, हमको बचाने के लिए स्वर्गीय स्थान छोड़कर इस दुनिया में आया है, लहू बहाया है, लहू बहाया और मर गया, जी उठा, अभी हमको लाजर को जो नाम लेकर रखकर बुलाया है, हमको भी नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर बुलाया, जिलाया, बैठाया और उसका संगति दिया है। एक दिन हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठेंगे, वही तो प्रतिज्ञा हमको दिया है, इतना प्रतिज्ञा, इतना आशा हमारा जीवन में दिया है, जो कुछ हमारा जीवन में किया है, इसके लिए प्रभु को हम स्तुति धन्यवाद करें। प्रभु ये वचन आशीष करे, जो अभी 7 मिनट टाइम दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आपको आराधना कर सकते हैं।
आइए हम मेज में भाग लेने के पहले वचन से थोड़ा सा भाग देख के हमारा जीवन जांच के योग्यता रीति से मेज में हम भाग लेंगे। योहाना सुसमाचार 11 अध्याय 39 वचन 39 योहाना जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 11 वर्स 39 योहाना सुसमाचार 11 अध्याय 39 वचन यीशु ने कहा पत्थर हटाओ उस मरे हुए की बहने मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मारे 4 दिन हो चुके हैं। पहला कुरिन्थियंस 11 अध्याय 28 वचन इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरा में से पिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम स्तुति धन्यवाद करते हैं आराधना संदेश सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए सहायता किया है इसलिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो हमारे सामने जो मेज रखा है इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। मेज में योग्यता रीति से भाग लेने के लिए हम सहायता मांगते हैं। प्रभु आपके लहू के पास क्रूस के पास आते हैं हमको शुद्ध कर दीजिए योग्यता से मेज में भाग लेने के लिए सहायता कीजिए वचन से हमको बातें कीजिए। ये समय आपको हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं सुनिए और ग्रहण कीजिए। जो प्रियो हमारे सामने हम मेज है मेज के सामने हम बैठ गया है जो मेज दर्शाता है जो रोटी हमारा रोटी और द्राक्षरस जो प्रभु हमारा प्रभु हमसे प्रेम रखे स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है क्रूस पर बलिदान हुआ है उसका देह हमारे लिए दिया है और जो पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है क्रूस पर उस बलिदान को स्मरण करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया है। बोलता है जो भी मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और उस कटोरा में से पिए। इस रोटी में हम लोग खाना है और उस कटोरे में से पीना है कैसा वो हमको अपना आपको जांच लो परखो ठीक करके प्रभु के मेज में भाग लेना है। इधर जो वचन पढ़ा है योहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 29 का वचन में जो हम लोग घटना तो हम लोग जानते हैं जो लाजरस तो मर गया था जब हम आराधना मैसेज में भी सुना है लाजरस मर गया था और उसमें वो लोग वो कब्र में था। 38 वचन में हम लोग देख सकता है यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हम लोग उद्धार पाया है बपतिस्मा भी लिया है लेकिन
इधर क्या किया, ये लोग कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है, पत्थर उस पर रखा था, पत्थर उस पर रखा था, और प्रभु ने बोलता है वो पत्थर को हटाओ, वो पत्थर को हटाओ। हमारा जीवन में जो बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद, और कितना कितना हमारा मन में रखे, अंदर रखे, उसके ऊपर ढक्कन रख रहे, उसके ऊपर ढक्कन रख रहे। ढक्कन रखने से क्या होता है, वही बोल रहे, मार्ता बोल रहे, मार्ता बोल रहे, क्या बोल रहा है, प्रभु अभी तो 4 दिन हो गया, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। ढक्कन रख के रखने से क्या होता है, दुर्गंध होता है। हमारा जीवन में जब मेज का सामने हम बैठ गया, सी हमारा हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में और कुछ अंदर रख के इसके ऊपर ढक्कन रख के बैठ गया क्या, एक बार सोच लीजिए प्रभु, एक सोच लीजिए। पहला अध्याय पत्रस, दूसरा अध्याय पहला पत्रस, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्या वो शरीर की अभिलाषा अंदर है क्या आपका जीवन में, हमारा जीवन में है क्या, और आंखों की अभिलाषा है क्या अंदर, और जीविका का घमंड है, ये सब कुछ अंदर रखे हम लोग उसके ऊपर ढक्कन रखे, उसके ऊपर पत्थर रखे। हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है ऐसी परिस्थिति होने से प्रभु बोल रहा है उसको पत्थर को हटा दो, उसको पत्थर को हटा दो। ऐसा पुस्तक चैप्टर 59 ऐशिया पुस्तक 59 दूसरा वचन में, ऐशिया 59:2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम ही तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारी पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्या कर रहा है इधर, इधर क्या है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आत्मीय जीवन में भी बीच में हमको प्रभु को परमेश्वर को बीच में हमारा अधर्म का आ रहा है क्या, हमारा जीवन कैसा है। भजन संहिता, भजन संहिता 51 में 10वां वचन, साम्स 51:10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। सो दाविद प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, जो शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिर से उत्पन्न करो, उत्पन्न कर। जो यूहन्ना सुसमाचार 11:39 में जो प्रभु बोलता है उसका हटाओ। प्रियो आज का आपका जीवन कैसा है, आत्मिक जीवन कैसा है, बाहर एक अंदर एक है क्या, जो अंदर सब कुछ रखे उसके ऊपर ढक्कन रखा है क्या। ढक्कन रखने से अभी उसी समय में, इस समय में जो प्रभु बोलता है वो पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ, पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटाया प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवन दिया है, जीवन दिया है। प्रियो हमारा जीवन में पत्थर हटाने के लिए प्रभु समय दे रहे, जो परमेश्वर को हमको जो बीच में जो पाप जो परिस्थिति आ रहे वो परिस्थिति ठीक करने के लिए
हमको प्रभु सहायता कर रहा है। प्रभु बोलता है वो पत्थर को हटाओ, वो पत्थर को हटाओ। कौन सा पत्थर है आपको जानता है? पत्थर के नीचे क्या है आप जानता है? आपका जीवन में मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, आप जानता है, प्रभु जानता है। आपका पत्थर के पीछे कुछ ना कुछ है, इसलिए बोलता है वो पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। जो पत्थर का जो पीछे जो रखा है उसका हटाइए। हटाने के लिए प्रभु को सहायता मांगेंगे। प्रभु के लहू के पास आके हम प्रभु सहायता लेके हमारा जीवन ठीक करके प्रभु को मेज भाग लेने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी परमेश्वर, स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो मेज के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु हमारा जीवन में जो भी है प्रभु आप जानते हैं। ये समय प्रभु जो लाजरस के कब्र के पास आके ये पत्थर को हटाओ बोला है, जो बोलो पत्थर हटाया प्रभु, उसको लाजर का जीवन में जीवन दे दिया प्रभु, उसको जीवित किया उसको। हमारा जीवन में भी जो भी बीच में है प्रभु, हम लोग दूर करने के लिए हमको सहायता कीजिए। प्रभु आपका उपस्थिति में आते हैं, आपके लहू के सामने आते हैं हम, और उसके सामने आते हैं प्रभु, आपका अमूल्य लहू से हमको शुद्ध कर दीजिए, और आपका मेज में योग्यता से भाग लेने के लिए हमको सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इधर मेज में भाग ले रहा है, इस समय में आप भी आपका परिवारों के साथ जहां बैठ गया उधर मेज में आप भाग ले सकता है।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए, आपका दया के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमको प्रेम किया है प्रभु, स्वर्गीय स्थान तो छोड़ के इस दुनिया में आया है, क्रूस पर प्रभु आपको बलिदान हुआ है, लहू बहाया, हमको उद्धार दिया है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो मैं इसमें प्रभु भाग ले सका उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस पर आशीष हम मांगते हैं प्रभु। और प्रभु जो भागीदार नहीं हुआ है, भाग नहीं ले सका, उसके ऊपर आपका दया कीजिए प्रभु। आने वाला दिनों में प्रभु उसको सहायता कीजिए। और एक प्रभु जो बचे हुए रोटी प्रभु सब सार्वत्रिक मंडली के लिए दर्शाता है, सब लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत लोग प्रभु विपत्ति परिस्थिति में, दुख और संकट में जा रहा है, दया कीजिए, अनुग्रह दिखा दीजिए प्रभु। जो लोग रोग है, व्याधि में गुजर रहा है प्रभु, उसके लिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु और बेथलहम हाउस ऑफ वर्शिप हमारा आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो उधर से जो मिनिस्ट्री चल रहा है प्रभु, उसको सेवा के लिए आप फल आशीष कीजिए प्रभु, सेवा फैलाइए प्रभु। बहुत लोग उद्धार के अनुभव में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जो आराधना सेवा का इधर से चल रहा है, जो आराधना कार्यक्रम मंडली का प्रार्थना और बाइबल अध्ययन बच्चों के, युवकों के बीच में और बहनों के बीच में भी मिनिस्ट्री चल रहा है, इसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहा है प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। हम सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु फिलिप्पी 4:19 का वचन के अनुसार उसको हरेक घटी को पूरा कीजिए प्रभु। जो जिसका तबियत ठीक नहीं है उसको ऊपर दया कीजिए प्रभु। प्रभु जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए सहायता देते हैं, जो नौकरी के लिए ढूंढ रहा है उसके लिए प्रभु मदद कीजिए प्रभु। जो जीवन साथी के लिए, विवाह के लिए इंतजार कर रहा है उसके लिए प्रभु आपको ऊपर दया दिखा दीजिए प्रभु। हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए प्रभु, सब लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग उद्धार के अनुभव में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। अभी तक हमको संभाला है इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाला दिनों में भी प्रभु आपके लिए जीने के लिए हमको सहायता कीजिए। जो मेन मैसेज के लिए प्रभु ब्रदर जया को भी अभिषेक कर दीजिए, स्वर्गीय स्थानों से आपका प्रभु संदेश हमको दे दीजिए प्रभु, हम वचन सुन सके और आपको आशीष हम पा सके प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, और सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन।
अभी हम मेन संदेश सुनेंगे ब्रदर जया ब्रदर से। जय मसीह की। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये आराधना के लिए दिस इज नॉट माय दिस थिंग नो आई थिंक मान यस अंकल I was inviting, so till now whatever is there you can delete. You can continue, no problem, you can start. Yeah, you can delete whatever is not okay. I am abhi aakhri vartman ke liye parmeshwar ke vachan se kuch bhag ko dekhenge aur uske upar hum manan karenge, dekhenge ki parmeshwar humse kya bolta hai. Yoshua ki kitab ko nikalenge. यहोशुआ की किताब पहला अध्याय हम एक से लेकर नौ वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। एक से लेकर नौ वचन तक यहोशुआ की किताब पहला अध्याय एक से लेकर पांच नौ अध्याय नौ वचन तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशुआ से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबनोन से लेकर परात महानद तक और सूरस्त की ओर महासमुद्र तक इत्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा हूँ रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पुरुषों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जा तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी ना उतरने पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिया करता है ना इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न रख, भय न खा और तेरे मन कच्चा न हो क्योंकि जहां जा तू जाएगा वहां वहां तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ये वचन के पढ़े जाने पर इसके ऊपर आशीष दे और इसके द्वारा हमसे बातें करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं इस समय के लिए जो हमको आपने दिया आपके वचन को ध्यान करने के लिए। प्रभु जी जो वचन पढ़े गए हैं यहोशुआ पहला अध्याय एक से लेकर नौ वचन प्रभु आप सहायता करें कि ये वचन के द्वारा हमसे बातें करें। हमें प्रभु जी आपके वचन में दृढ़ कीजिए, विश्वास में बल पाने के लिए सहायता कीजिए और प्रभु जी जो प्रभु जी आपके मार्ग है उसमें स्थिर चलने के लिए आप ही हमें मदद कीजिए। आपके वचनों को तोड़कर हमें दे दीजिए और प्रभु जी हमारे जो भूख और प्यास है प्रभु जी उसको आप पूरा करें। प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुने और हमें प्रभु आपके अनुग्रह में बनाए रखे और वचन देने के लिए मुझे इस आयोग दास को भी आप सहायता करें, आत्मा से भरे और बहुत सारे विचारों को प्रभु आप आपके बच्चों के सामने प्रकट करें। प्रार्थना सुनिए क्योंकि ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के ऊंचे और मधुर नाम में मांगते हैं। आमेन।
यहाँ पर हम यहोशुआ पहला अध्याय नवम वचन में हम देखते हैं परमेश्वर इसराइलियों के इसराइलियों को जो मिस्र से छूटकर आए थे उनसे वो बातें कर रहा है। खास करके हम देखते हैं यो परमेश्वर जो है यहोशुआ के साथ वो सीधे सीधे बात करने का हम यहाँ पे देखते हैं कि व्यवस्था वर्णन आखिरी अध्याय में मूसा जो था जो इसराइलियों को जो कानान से छुटकारा दिया था वो जो है अब नहीं रहा, उसका निधन हो गया और परमेश्वर अब अपने काम को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर अपने काम को आगे बढ़ाने में वो कभी चुकते नहीं है। जो वचन वो देते हैं वो वचन के अनुसार चलने वाले हमारे परमेश्वर है। हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने मूसा को वचन दिया कि और अब्राहम इसहाक याकूब को वचन दिया कि वो उनको एक जगह या एक देश को उनको देगा, तो वो देश देने का जो वचन उसने दिया था, जो शपथ उसने कहाई थी, उस शपथ को वो पूरा करना है। तो वो शपथ पूरा करने के लिए अब एक लीडर या नायक या एक आदमी का जो जरूरत था हम देखते हैं पहले ही उसने नियुक्त किया था। यहोशुआ को पहले ही मूसा के द्वारा उसने नियुक्त किया और मूसा हम देखते हैं यहोशुआ को अभिषेक भी किया। और इसलिए हम ये पहला अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब यहोशुआ से कह रहा है मेरा दास तो वो मूसा तो मर गया, इसलिए वो अब उठ, तो उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइल को देता हूँ। तो परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशुआ को वो उत्सुक कर रहा है, वो यहोशुआ में वो अपना जो बल है और ताकत है वो उठने के लिए कहता है। उठ, वो बोलता है कि उठ, अब तू उठ कमर बांध, मतलब वो तैयार होने के लिए कह रहा है। तो परमेश्वर जो यहोशुआ था, यहोशुआ को पहले वो अपना मन बनाना चाहिए, अब वो उठने का मतलब वो तैयार होना चाहिए, मन बनाना चाहिए, कमर बांधने का मतलब काम के लिए सिद्ध होना चाहिए। तो उस काम के लिए सिद्ध हो जा बोल के परमेश्वर उससे कह रहे हैं। तो हम ये आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि तीसरे वचन में जहां जहां तू जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर यहोशुआ को वो एक आश्वासन दे रहा है कि जहां पर उसका पैर जाएगा, जहां पर उसका पैर पड़ेगा, वो जहां पर भी वो पैर धरेगा उस धरती को मैं तुमको देता हूं बोल के वो परमेश्वर यहोशुआ को वो एक वाचा यहोशुआ के साथ एक वाचा बांध रहा है। तो उस जगह को पाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर के तरफ से भी कुछ वादे परमेश्वर यहोशुआ को कर रहा है और यहोशुआ को भी कुछ काम करने के लिए यहाँ पर वो कह रहा है बोल के हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो बातों को देखते हैं उन बातों को जरा समझेंगे कि परमेश्वर क्या मूसा से यहोशुआ से चाहता है और परमेश्वर उससे क्या वो वाचा बांध रहा है, क्या अथवा हम ये कह सकते हैं कि क्या वो खुद क्या कर सकता है, क्या करेगा उसके लिए, उन बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले ये कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे ही मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। पहली बात परमेश्वर कह रहा है कि यहोशुआ को ज,
जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर एक अश्योरेंस दे रहा है कि एक निश्चय यहोशुआ को दे रहा है कि जैसा वो मूसा के साथ था तो वो वैसा ही वो यहोशुआ के साथ रहेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर वो यहोशुआ के साथ रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमारा कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की सारी जो जो समृद्धि है और परमेश्वर की जो सारे ताकत है, बल है, और परमेश्वर का जो सारे सामर्थ है वो हमको प्राप्त होता है। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो उसका सामर्थ ही हमको प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसके रिसोर्सेस जो भी है वो रिसोर्सेस भी हमको मिलता है। उसकी जो संपत्ति या कुछ हम कह सकते हैं कि जो उसकी सामग्री है वो सारे सामग्री हमको मिलता है। हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा सेनाओं का यहोवा बोल के कहलाता है, और हम देखते हैं उसके कितने करोड़ों लाखों से करोड़ों से ज्यादा उसके जो देवदूत है वो सारे लोग हमारे लिए मौजूद होंगे। तो प्रियो, हम देखते हैं जब परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है, परमेश्वर जब हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो हमको निश्चय करना है, हमको विश्वास करना है कि जो सामर्थी परमेश्वर है, जो बलवान परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, और उसके सारे जो जो ये जो क्या कहते हैं कि रिसोर्सेस सामग्री वो हमको वो देता है। तो वो सारे लोग जब हमारे साथ रहेंगे तो हम भी वो परमेश्वर के बल से आगे चल सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो यीशु मसीह का वादा है अपने चेलों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ, अपने बच्चों को, कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो इसलिए हमको निराश नहीं होना है। परमेश्वर यही कह रहा है कि यहोशुआ को बार बार वो कहता है कि तू निराश नहीं होना। देखिए सातवें वचन में कितना, इतना ही कि तू हिवाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। तो यहाँ देखते हैं कि वो उसको हियाव बांधने के लिए कहता है, मतलब मत डर कहता है। नवों वचन में बहुत साफ लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। तो परमेश्वर बार बार यहोशुआ को कह रहा है कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि भय ना रख, घबराना नहीं, भय ना रखना। हम क्या करना है, हमको ताकत पाना है और परमेश्वर के बल में आगे जाना है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ये सब करने के लिए उसको कह रहा है कि तू देर हियाव बांधना और तू भय ना रखना और तेरा मन कच्चा ना हो जाए, तेरा मन कच्चा ना हो जाए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी परमेश्वर के वचन के ऊपर हम देखते हैं कि कितना हम उलट पुलट बोलने में या हम कुछ अलग रीति से सोचने में शुरू कर देते हैं, शक करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। लेकिन यहाँ यही ये बात बताता है कि तेरा मन कच्चा ना हो जाए, मतलब यही है कि हम परमेश्वर के वचन से हटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर से जो विश्वास हमारा है वो पीछे नहीं हटना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो परमेश्वर बार बार उसको कहता है, लेकिन एक चीज परमेश्वर उसको करने के लिए कहता है, वो चीज जो है वो सात और आठ वचन में लिखा हुआ है,
ना, वो बोलता है कि और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तू दाहिने मुड़ना और बाएं, वो तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल हो जाएगा। परमेश्वर उसको एक सूत्र दे रहा है, अगर वो सफल होना है जहां जहां जाता है वहां का धरती अगर वो पाना है तो परमेश्वर उसको एक प्रिंसिपल या एक सूत्र बता रहे हैं कि तू जो कुछ तू तुझे मूसा ने सिखाया है, मूसा ने तुझे आज्ञा दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी रखना, बिवेर मतलब उसको करने में पीछे नहीं हटना। तो क्या है वो? परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन को जब हम पालन करेंगे तो परमेश्वर वाचा बांध रहा है, परमेश्वर एक हमको धाड़स दे रहा है या हमको आश्वासन दे रहा है कि तू जहां जहां जाएगा सफल हो जाएगा। तो सफलता का एक राज परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, वो है कि उसके वचन के अनुसार हमको चलना है। अगर वचन के अनुसार हमको चलना है तो वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर बिना अगर वचन के ऊपर चलना है, बिना वचन को जाने हम किस तरह उस वचन के ऊपर चल सकते हैं? अरे भाई और बहनों, इसलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको चलने के लिए परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना, परमेश्वर की व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। आठवां वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको क्या करने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर, अगर तू यशस्वी होना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, अगर तू सब कुछ बटोरना या स्वाधीन करना चाहता है तो परमेश्वर कहता है कि तू उसके अनुसार चलना चाहिए। आठवां वचन में बहुत सारे विषय को हम देख सकते हैं। आठवां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए। तो पहली बात हम देखते हैं कि व्यवस्था का जो किताब है, तो मतलब परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो कमांडमेंट्स है, जो लॉस है, वो सारे हमारे चित्त में रहना चाहिए, हमारे माइंड में रहना चाहिए। जब माइंड में तभी आएंगे जब हम उनको अपने मेमोराइज करेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम उसको क्या है, त्यागना नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को हर रोज हमको पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना ही नहीं है, परमेश्वर के वचन को हमको मेमोराइज करना है, मतलब उसकी कंठ पाठ करना बोलते हैं, कन्नड़ा में कंठ बोलते हैं। मतलब जो हमको साधारण रीति से जब भी कोई पूछे तो हमको बोलने के लायक हमको होना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन पहला हम पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। क्या हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था को जानने के लिए, परमेश्वर के नियमों को जानने के लिए क्या हम अपने घर में एक क्या बोलते हैं मौन ध्यान हम करते हैं? रोज उठते ही सवेरे सवेरे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं क्या? एक एक चैप्टर हर रोज एक एक क्या हम पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो व्यारे भाइयों बहनों, हमको आज से शुरू करना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन जब तक हम नहीं पढ़ते तब तक परमेश्वर के वचन को हम जान नहीं सकते। जब तक हम परमेश्वर के वचन को जान नहीं सकते, परमेश्वर के वचन को हम उसको कंठ या बहार नहीं कर सकते या उसको याद नहीं अपने चित्त में हम रख नहीं सकते। तो परमेश्वर इधर यहोशुआ से कह रहा है, तो अगर सफल होना है तेरे को, अगर सफलता चाहिए
तो पहले बात क्या करना चाहिए, तुमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए, उसको ध्यान। तीसरी बात हम देखते हैं उसका मनन करना है। पहली बात पढ़ना है, दूसरी बात हमारे दिमाग में रखना है, तीसरी बात उसके ऊपर ध्यान लगाना है, उसका मनन करना है, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। तो जब हम ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको अपने ध्यान में रखते हैं और उसको मनन करते हैं, तब परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते हैं, बोलकर हम देखते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन को इस रीति से पढ़ते हैं और अपने ध्यान में अपने चित्त में रखते हैं? और तीसरी बात, क्या हम परमेश्वर के वचन की को ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं? हम देखते हैं कि चर्च में हम लोग बाइबल स्टडीज बोल के हर एक दूसरा और चौथा सैटरडे हम लेते हैं, तो उसमें हमारे भाई लोग जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, वो उसके बारे में खुला खुला परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारे विषयों को हमसे शेयर करते हैं। क्या हम ऐसे मीटिंगों में, क्या कभी हम ऐसे वचनों को सुनने के लिए कभी हाजिर होते हैं? हमको परखना है, अगर नहीं होते तो होना है। तो परमेश्वर को वचन को मनन करने के लिए हमको प्रत्येक समय को देना है, और जब हम मन लगाकर परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए हम अब कोशिश करते हैं, तो प्रभु सहायता हमारा सहायता करता है, परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करता है, परमेश्वर की आत्मा हमको ज्ञान में ज्ञान सिखाता है, और परमेश्वर का आत्मा हमको सच्चाई में चलाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि सत्य का आत्मा जब आएगा तुमको सारे सच को वो लेके जाएगा, ज्ञान में वो हमको बढ़ाएगा। इसके लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अपने मेमोराइज करना, और तीसरी बात हम देखते हैं उसको मनन करना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात जो परमेश्वर के वचन के साथ हमको करना है, तो वो उसके अनुसार चलना है। जैसा यहाँ पर हम देखते हैं योशुआ को परमेश्वर कहता है अगर तू सफल होएगा, तो सफल होना चाहता है तो चौकसी करना और उससे तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा उसकी पालन करना, उसको तोड़ मरोड़ना नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने अनुकूल के समान उसको अपने लिए उपयोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन वो एक ही बात को कहता है, तोड़कर मरोड़कर उसको अपने लाभ के लिए उपयोग करना ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है। इसके लिए परमेश्वर यहाँ यहोशुआ को कह रहा है कि तू उसका उसके दहने या उसके बाएं, मतलब वचन से तू दहने या बाएं नहीं मुड़ना है। परमेश्वर का वचन हमसे आज बात करता है कि हम बहुत सारे समय को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को अपने लाभ के लिए हम उपयोग करते हैं, लाभ के लिए नहीं, हमारे जो व्यवहार है वो व्यवहार के अनुसार परमेश्वर के वचन को उपयोग कर कर हम अपनी बातों को क्या करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू दायनी या बाय नहीं मोड़ना, लेकिन उसके अनुसार तू चलना चाहिए। मतलब चौथा विषय हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वी मस्ट बी डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि याकूब के पत्र में लिखा है कि लेट अस बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को करने वाले हम बन सके या उसके अनुसार चलने वाले हम बन सके, ना कि केवल सुनने वाले और छोड़ने वाले। जब हम ऐसे करेंगे तो आशीष के भागीदार हम नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं, समझिए, या उसके अनुसार उसको हम मनन भी करते हैं,
लेकिन उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते तो परमेश्वर अपने आप को हम धोखा देते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए, तभी परमेश्वर का आशीष हमको मिलता है। तो परमेश्वर की भरपूरी हमको मिलता है, परमेश्वर के तरफ का जो भी उस वचन के आधार पर जो भी आशीष परमेश्वर रखा है वो आशीष हमको परमेश्वर देता है। तो इसके लिए हमको जरूरी है कि यहोशुआ को जो परमेश्वर कहता है वो आज हमसे भी परमेश्वर कह रहा है कि तू इस व्यवस्था विवरण के जो पुस्तक है अपने चित्त में रखना, उसको पढ़ना और उसको ध्यान देना और उसको उसको बार बार बोलने का मतलब मेमोराइज करना, और चौथी बात हम देखते हैं उसके अनुसार चलना है। जब हम ऐसे करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखिए भजन संहिता पहला अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो आदमी परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ता है और ध्यान करता है उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमको देखिए क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को रात दिन वो मनन करता है, ध्यान करता है, उसको परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है ऐसा व्यक्ति। क्या हम परमेश्वर से ये जो किताब है धन्य का किताब हम पाना नहीं चाहते? जरूर हमको आशा है कि हम इच्छा है कि हम उस क्या है जो टाइटल बोलते हैं, जो टाइटल या जो विटनेस परमेश्वर दे रहा है उसको हमको लेना है कि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था में यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को ध्यान करना बहुत 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 ही बोलते प्रामुख्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को इतना हमारे जीवन में क्यों हम आद्यता देना चाहिए, क्यों हमको उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बार इब्रियानी 4:12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का इस रीति से वर्णन किया गया है। देखिए इब्रियानी 4:12 उसका 12 वचन, जिससे पवित्र माफ कीजिए सॉरी इब्रानी 4:12 उसका 12 वचन, मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का वचन इस रीति से हम देखते हैं कि शक्तिशाली है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली होने की वजह से, और इधर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को दुधारी तलवार के समान वो बता रहे हैं। जो इब्रानियों का किताब लिखा है वो बोल रहे हैं कि
कि परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार के समान है और वो क्या करता है, वो सब विचारों को और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। तो परमेश्वर को वचन इतना शक्तिशाली है प्रियो कि हम उसको वर्णन नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा विचारों को भी परमेश्वर जानता है, इसीलिए हमको जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने का और परमेश्वर के वचन को हमारे चित्त में रखने का, ध्यान करने का और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का। हम बहुत सारे विषयों को परमेश्वर के वचन के बारे में हम देख सकते हैं कि कैसा परमेश्वर का वचन, यहाँ पर तलवार को वो तुलना किया गया है, लेकिन अलग अलग जगह में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन अलग अलग रीति से उसको वर्णन किया गया है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो पानी के समान है, एफेसी 5:26 में हम देखते हैं 25 और 26 में कि वो पानी के समान है। तो क्या होता है, पानी से हम धुलते हैं तो पवित्र करने वाला परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन हमारे जो पापमय जीवन है और जो जो हमारा जीवन करप्टेबल बोलते हैं जो इंग्लिश में, वैसा जो जीवन है उसको क्या करता है, वो शुद्ध करता है। जब हम मलिन होते हैं, जब हम गंदे होते हैं गंदे विचारों से, गंदे दिखावे से, गंदे चाल चलन से, गंदे बातों से, गंदे विचारों को सुनने से, जब हम अश्लील होते हैं या हम गंदे होते हैं, तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते जब जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम देखते हैं उसके, परमेश्वर की आत्मा हमको परमेश्वर के वचन की याद दिलाकर हमारे हमको धोता है, हमको पवित्र बनाता है परमेश्वर का वचन। इसके लिए हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन चिमटे के समान है। चिमटा मतलब जो पत्थर को तोड़ता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने वाला ये हथौड़ी जो बोलते हैं हम लोग, वैसा उसके समान है। और वो कठिन से कठिन हृदय को भी वो तोड़ने वाला परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन एक आग के समान है, आग के ज्वाले के समान है जो सब कुछ नष्ट करता है, नष्ट और परिपूर्ण रीति से जला डालता है। तो जो पापी का जो पापमय स्वभाव है उसको जला डालने वाला परमेश्वर का वचन है। चौथी बात, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन एक शहद के समान है जो हमको रुचि देता है और हमको हमको परमेश्वर का वचन तंदुरुस्त भी करता है। हम देखते हैं शहद एक चीज ऐसा है कि हमारे जीवनों में बहुत सारे कामों को कामों में उपयोग होता है। तो परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं बहुत सारे विचारों में हम उसको तुलना कर सकते हैं बहुत सारे विचारों से। तो परमेश्वर के वचन इस रीति से होने की वजह से हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारे दिमाग में उसको रखना है, उसके कंठपाठ करना है। और तीसरी बात, हम चौथी बात हम देखते हैं कि उसके अनुसार हमको चलना है। ऐसा अगर हम करेंगे, उससे दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि यहोशुआ को, तो जहां जहां जाएगा वो सारे चीजें तो प्राप्त करेगा और तो सफल हो जाएगा। सफलता किसको नहीं चाहिए, सफलता हर एक आदमी को चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो सफलता के लिए हम सारे लोग इस दुनिया में कितना बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सारे विचारों को करते हैं, बहुत सारे प्यारे भाइयों और बहनों बहुत सारे कामों को करके हम सफल बनना चाहते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, वो इसके व्यवस्था के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमको यशस मिलेगा या सफलता प्राप्त होएगा। तो ये बातों को हम
अपने ध्यान में रखेंगे और परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्रामुख्यता देंगे। परमेश्वर के वचन की हम कभी उसको तिरस्कार नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचन तिरस्कार हम करते हैं, कभी कभी पढ़ते नहीं है। कितना बाइबल लेते हैं, बाइबल को कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन। कभी कभी हम संडे को याद आता है या कभी फेस्टिवल के दिन याद आता है। बहुत सारे लोग हैं, हम जब मसीह में नहीं थे और क्रिश्चियनिटी में थे तो तभी ऐसे होता था कि एक परिवार के लिए एक बाइबल रहता था और वो बाइबल कभी कभी पढ़ते, कभी कभी नहीं पढ़ते, कभी कहाँ रहता वो भी पता नहीं रहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हम कभी भी ऐसा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हम आदर करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के आदर करते हुए हम जब परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम रोज पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है और हमारे ऊपर अपने आशीषों को मुंडेलता है, सफलता देता है। और जैसा इसराइलियों को वो अपने वचन सुनने से वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक जो मैं शपथ लिया हूँ, जो वाचा बांधा हूँ तुम्हारे साथ, वो देश को मैं जरूर दूंगा। उस देश को उन्होंने लेके गया और हम देखते हैं वो देश उनको प्राप्त हुआ। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे हमारे जीवन में जो सफलता पाने का बहुत सारे विचार हमको रखते हैं। अगर हमको सफलता पाना है तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन वो दोधारी तलवार के समान वो ताकतवर है और अपना काम अपने विचारों को जानने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रियो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पढ़िए और परमेश्वर के वचन में बढ़िए। प्रभु ये वचन के ऊपर आशीष दे। अभी हम लोग प्रभु के लिए भेंट चढ़ाने के टाइम है, ये प्रभु के लिए अर्पण लाने का समय है। अब लोग जो प्रभु के लिए देना है अभी घर में रखे, जब हमारा चर्च ओपन होता है तब उधर जाके अब लाके उधर जमा कर सकता है। अब लोग जानते हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटीज भी है, ऑनलाइन फैसिलिटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समय हम गीत गाएंगे, गीत गाने के टाइम में प्रभु को हमारा भेंट चढ़ाएंगे। You can't be.
दया करके अनाउंसमेंट सुन लीजिए। जो आजकल जो परिस्थिति के अनुसार ये सब कार्यक्रम जूम में ऑनलाइन में होता है। मंगलवार को 6:30 बजे में मंडली का प्रार्थना होता है और दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार शाम को 6:30 बजे में बाइबल अध्ययन रहता है और बाकी का पूरा नोटिस बोर्ड में है। नोटिस बोर्ड के अनुसार, सूचना के अनुसार आप लोग उसके लिए प्रार्थना कीजिए और आप भाग लेके प्रभु से आशीष पाइए। आइए हम प्रार्थना करके आशीष से हम मीटिंग क्लोज करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, और एक बार आपका उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु। जो आपका आशीषों के लिए, भलाई के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक अब आराधना संदेश सुनने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए और मेन मैसेज के टाइम में भी हमको सहायता किया है, इसलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके लिए जीने के लिए हमको सहायता कीजिए, विश्वास से आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हमारे लिए जब आप आया है, गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और स्वर्गीय स्थान में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपके और एक बार आने वाला है, आपके आगमन के लिए हम तैयार रख दीजिए प्रभु और सहायता कीजिए। और इस दुनिया में हम लोग जो आने वाला हरेक घटना से बच के आपके सामने खड़ा होने के लिए भी हमको सहायता कीजिए प्रभु। हमको हर एक बुराई से बचाइए और एक बार सब विश्वासी लोगों को, सब परिवारों को, स्पेशली सब हिंदी परिवारों के लिए आपका उपस्थिति में आते हैं प्रभु, उसको याद कीजिए। हर एक परिस्थिति में, हर एक घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु। जो हम लोग तो हम लोगों को अभी तक संभाला है, आने वाला दिनों में भी आपके लिए जीने के लिए सहायता मांगते हुए हर एक विश्वासी के ऊपर, परिवार के ऊपर आपका स्वर्गीय आशीष मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम और सब संतों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे, आमेन। सब लोगों के लिए जय मसीह।